हेलो गाइस, आई एम विकास एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द टेक कोर्ट। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन वीडियो टैक्स के बारे में। बहुत सारे लोगों ने अभी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन आपकी यूट्यूब वीडियो के एसईओ के रिगार्डिंग ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपकी वीडियोज़ को गूगल पे भी रैंक करा सकती है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और अभी इंप्लीमेंट होना शुरू हुई है। तो डिटेल में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली इसको करना है, किस तरीके से वीडियो टैक्स लगाना है अपनी वीडियो के अंदर अपने लैपटॉप में जाके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि यार इन वीडियो टैक्स है क्या। सो आप सबको पता होगा, सबको ये चीज़ें पता लग चुकी होंगी, टाइम लैप्स क्या होता है। जब आप अपनी वीडियो के बारे में अपने डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि आपकी वीडियो में किस टाइम पे क्या चीज़ बताई गई है, उसको टाइम लैप्स बोलते हैं। और वहाँ पर जो आपकी टाइमलाइन चलती है वीडियो देखते हुए यूट्यूब पे, तो वहाँ पर भी वो चैप्टर वाइज एक बना देता है। चैप्टर बोल लेते हैं तो ज़्यादा आसानी रहेगी समझने में। तो चैप्टर वाइज बता देता है कि इस वीडियो में इस टाइम से इस टाइम तक इस बारे में डिस्कस किया गया है, इस बारे में यहाँ पर ये चीज़ डिस्कस की गई है। तो व्यूअर को बहुत ज़्यादा एक सहूलियत मिल जाती है कि अगर आपकी वीडियो का कुछ पार्ट ही देखना चाहता है, अगर आपकी वीडियो आधे घंटे की है, पौने घंटे की है और उसमें सिर्फ 5-7 मिनट का जो एक टॉपिक है वो देखना चाहता है, और अगर आपने टाइम लैप्स बनाया हुआ है तो वहाँ पर पर्टिकुलर वो उस पार्ट को जाके देख सकता था। और वो चीज़ें गूगल में भी बहुत अच्छे तरीके से रैंक कर रही थी, उसके बारे में एक वीडियो बनाई हुई है। तो वहाँ पर क्या होता था कि उस पर्टिकुलर पार्ट को ही वो गूगल जो है रैंकिंग में कर रहा था। लेकिन अब क्या है इन वीडियो टैग्स में कि अगर आप नहीं लिखते हैं डिस्क्रिप्शन में अपनी वीडियो के बारे में कि इस टाइम पे क्या चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन आप अपनी वीडियो में ही टेक्स्ट फॉर्म में अगर लिख देते हैं कि आपका यहाँ से इंट्रोडक्शन शुरू है, यहाँ से ये टॉपिक शुरू है, यहाँ से ये टॉपिक शुरू है, तो गूगल उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा और वहाँ पर उसका ऑटोमेटिकली टाइम लैप्स बना देगा, चैप्टर बना देगा और आपको दिखा देगा कि यहाँ से यहाँ तक इस वीडियो में ये चीज़ बताई गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि इस चीज़ के बारे में बहुत पहले 2-3 महीने पहले ही डिस्कस कर दिया था क्रिएटर इनसाइड में, अब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई है। और आपको अभी एक चीज़ बता दूँ कि अब भी जो है YouTube के अंदर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। जब आप Google पर सर्च करते हैं किसी वीडियो को तो वहाँ पर आपको Google में ये टाइम लैप्स देखने को मिलेंगे। प्रैक्टिकली देखते हैं कि किस तरीके से Google में देखने को मिल रहे हैं, किस तरीके से आपकी वीडियो को SEO करने में, आपकी वीडियो को रैंक करने में ये चीज़ें मदद कर सकती हैं। तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन के अंदर और देखते हैं कि किस तरीके से आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ें करनी है। सो चलते हैं और देखते हैं प्रैक्टिकली। सो गाइस, अब आ चुके हैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर। अब सीधे चलते हैं, एक चीज़ मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ YouTube SEO। सीधा टॉपिक की तरफ चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। जब आप कुछ चीज़ सर्च करते हैं तो वहाँ पर कुछ नीचे वीडियो के रिजल्ट भी दिखाना शुरू करता है Google, और जो मोस्टली वीडियो के रिजल्ट होते हैं वो YouTube के ही होते हैं। अब यहाँ पर काफ़ी दिनों से एक चीज़ नोटिस की जा सकती है कि जो भी वीडियो रिजल्ट पर सबसे नंबर वन रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पर गूगल उसे प्रायोरिटी दे रहा है जिसने अपनी वीडियो पर टाइम लैप्स डाले हुए हैं। आप देख सकते हैं इस बंदे ने प्रॉपरली टाइम लैप्स डाले हुए हैं। टाइम लैप्स किस तरीके से डालने हैं वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर 1:04 पर लिखा हुआ है व्हाट इज यूट्यूब SEO। तो इस वीडियो को हम साइड में खोल लेते हैं। तो मोस्टली जो यूजर्स हैं जो यूट्यूब पर काम करते हैं उनको पता है कि टाइम लैप्स किस तरीके से डालने हैं, डिस्क्रिप्शन में हमें डिफाइन करने पड़ते हैं टाइम लैप्स। इसका मतलब यहाँ पर SEO, ई-कॉमर्स SEO, पॉज कर देता हूँ वीडियो को। इसका मतलब यहाँ पर इसने डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। तो आप जैसे ही सबसे नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइम स्टैम्प्स यहाँ पर इसने दिए हुए हैं। तो 1:04 पर व्हाट इज़ यूट्यूब SEO यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ यूट्यूब SEO। 1:52 पर यहाँ पर यूट्यूब कीवर्ड रिसर्च, तो यहाँ पर भी 1:52 पर गूगल ने भी ये सारी चीज़ें डिटेक्ट कर ली और इसके नीचे ही दिखा रहा है 9 key moments इन दिस वीडियोस। सो ये चीज़ें हमें समझ में आती हैं कि भाई गूगल ने यहाँ से ये चीज़ें उठा के आपको यहाँ पर दिखा दी। लेकिन अभी हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मैं आपको सर्च कर दिखा देता हूँ हाउ टू यूज़ गूगल एड्स। तो यहाँ पर एक वीडियो रिजल्ट आपको देखने में मिलेगा और उसमें भी आपको 4 key moments इन दिस वीडियोस लिखा हुआ आ रहा है इन दिस वीडियो, और 2:05 पर गेटिंग स्टार्टेड। तो इसका मतलब इसके डिस्क्रिप्शन में भी ये सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। हम इसे चला के देख लेते हैं इस वीडियो को साइड में, मैं पॉज कर देता हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन को हम चेक करते हैं एक बार।
जब आप इसके डिस्क्रिप्शन को चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, कोई टाइम स्टैम्प्स नहीं है। मैं लैप्स बोल रहा था बार बार, आई एम सॉरी फॉर दैट, कि यहाँ पर कोई भी टाइम स्टैम्प्स नहीं है, फिर भी यहाँ पर गूगल ने फोर की मूवमेंट यहाँ पर निकाल दिया। तो वो किस तरीके से हो रहा है इसके बारे में काफी दिन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ऑफिशियली क्रिएटर स्टूडियो में। तो चलते हैं नाउ इन आवर ओवरव्यू स्क्रीन हियर। सबसे पहले व्हाट वी वांट टू डू इज वांट टू क्रिएट एन 2 minutes, 5 seconds. You set up billing, so that's going to be either a credit card or you can connect your bank directly to your Google, your Google Ads account. And my getting started checklist looks like. तो exact 2 minutes, 5 seconds पर यहाँ पर एक text form में लिखा हुआ आ रहा है getting started. तो यहाँ पर YouTube ने Google ने इसे detect कर लिया और इसका automatically अपने आप एक time stamp बना दिया कि भाई ये video यहाँ से start हो रही है। अब यहाँ पर चलते हैं 13 minutes, 22 seconds पर। तो एक बार हम देख लेते हैं 13 minutes, 22 seconds पर इस वीडियो को चलते हैं और एक बार फिर चेक करते हैं कि क्या एग्जैक्ट 13 minutes, 22 seconds पर वही चीज लिखी है जो वहां पर लिखी आ रही है। जनरली फॉलो, हम इसे चलाते हैं। तो 13 minutes, 22 seconds पर एग्जैक्ट वही चीज लिखी है, क्रिएट अ सर्च कैंपेन। यहाँ पर भी गूगल ने ऑटोमेटिक इसे डिटेक्ट किया और क्रिएट अ सर्च कैंपेन यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, यानी कि अब आपको जरूरत नहीं है कि आप मैन्युअली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारे टाइम स्टैम्प मेंशन करें। अगर आप अपनी वीडियो के एडिटिंग फेस में ही ये सारी चीजें टेक्स्ट फॉर्म में लिख देते हैं तो उसे यूट्यूब गूगल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। और यहाँ से फायदा ये हो रहा है कि गूगल उन्हीं वीडियो को प्रायोरिटी दे रहा है जिनमें ये चीजें टाइम स्टैम्प्स बने हुए हैं, तो आपकी वीडियो के एसईओ में भी काफ़ी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। और यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी और मैं आपको बता दूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बड़े मतलब पूरी वीडियो हटा के पूरी स्क्रीन पर टेक्स्ट लिखें, आप लोअर थर्ड में भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर छोटा सा एक जो सब्सक्राइब वाला हम बटन लगाते हैं वहाँ पर भी टेक्स्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, आप आधी स्क्रीन में यहाँ पर करके लिख सकते हैं, आप टेक्स्ट फॉर्म में कहीं पर भी लिख सकते हैं, गूगल उसे डिटेक्ट कर लेगा। अब ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हुई हैं तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट नहीं है जहाँ तक मुझे लगा, लेकिन हाँ ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गई हैं और आगे चल के आपको मतलब मैनुअली आपको टाइम स्टैम्प डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने एडिटिंग फेस में ही बस एक बार मेंशन कर दीजिए कि भाई वीडियो में यहाँ पर ये है, तो वो सारी चीज़ें गूगल खुद डिटेक्ट कर लेगा और आने वाले टाइम में टैग्स और जो आपकी बाकी सारी चीज़ें हैं उससे ज़्यादा प्रायोरिटी इन वीडियो टैग्स को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर चीटिंग करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। टैग्स में काफ़ी सारे लोग उल्टी सीधी चीज़ें जो है वहाँ पर भर देते थे जिससे कि वीडियो का एसईओ अच्छे से हो पाए और उनकी वीडियो सर्च में जा पाए, लेकिन इन वीडियो टैग्स को इन फ्यूचर ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो कोशिश कीजिएगा आपकी अपनी वीडियो में ये सारी चीज़ें मेंशन करना शुरू करें, ये एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है इन फ्यूचर। सो ये अपडेट आपको YouTube की कैसी लगी, गूगल की अपडेट आपको कैसी लगी, इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, कुछ चीज़ें समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।